लगता है वहीनी की नक्चड़ी बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। रोहिणी, क्या काम है? तुम्हारे कमरे से बड़ी ठंडी हवा आ रही है। एसी लगवाया है। अच्छा है, अच्छा है। कल तुम अपनी सासू बाई को बुलाने के लिए घंटी लाई थी, आज अपने लिए एसी ले आई, अब कल क्या लाओगी? काय सल भाऊ जी, अपनी सुनवाई के इतने लाड़ मत लगाओ कि हमारा बजट गड़बड़ा जाए। एसी की ठंडी हवा ये खाएगी और बिजली का बिल मुझे भरना पड़ेगा। लेकिन बिजली का बिल आप क्यों भरोगे? आई, आप क्यों परेशान हो रहे? रोहिणी, सही कह रही हूं मैं आई, बात इन्होंने शुरू की है, खत्म मैं करूंगी। काका, बिजली के बिल से ज्यादा आपको इस बात की चिंता हो रही है ना कि आपके कमरे में एसी नहीं है। जल्दी करो नैना, मेरा तो ठीक है लेकिन उस कैटरर को तो इंतजार मत कराओ। हाँ हाँ आ रही हूँ, कितना शोर करते हो। शोर मैं नहीं, आपका फोन करता है हमेशा। एक मिनट, जॉय ज्वेलर्स से फोन है। हेलो, जय श्री कृष्णा नैना बेन। नमस्ते रमेश भाई, कैसे हो? आपके डिजाइन तैयार है, कुरियर से भिजवा दूं क्या? आकृति नहीं आई अब तक? ना, अब तक तो कोई नहीं आया लेकिन कुरियर वाला यहीं खड़ा है, आप कहो तो भिजवा देता हूँ। हाँ प्लीज भिजवा दीजिए ना। जय श्री कृष्णा जी। आकृति अब तक कैसे नहीं पहुंची? चिंटू बेटा, सबने खाना खा लिया, चल तू भी खाना खा ले। कितनी राह देखेगा नैना और अभी की, लगता है उन दोनों को देर हो जाएगी। वो दोनों साथ में गए? दोनों दोपहर को ही चले गए रेस्टोरेंट के काम से। अभी आज रहने दो ना, घर चलते हैं, आई राह देख रही होगी। बहाने मत मारो, मेरी शर्त से डर गई हो तो पहले हार मान लो। प्लीज, मुझे तुम्हारी शर्त से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये शर्त मैं ही जीतूंगी। कुछ भी कर लो, तुम मुझसे ज्यादा पानी पूरी तो खा ही नहीं सकते। तो देर किस बात की, चलो देख लेते हैं। ऐसी बात है तो चलो। हाँ? हो जाए पानी पूरी कॉम्पिटिशन, हो जाए। मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी तुमसे शर्त लगाकर, मेरी तो हालत खराब हो रही है। भूख से मेरी हालत भी खराब हो रही है। अगर खाना घर पे नहीं खाना था तो एक फोन करके इन्फॉर्म तो कर सकते थे, एटलीस्ट मैं यहाँ वेट तो नहीं करता। सॉरी दक्ष, वो मैंने सोचा था। छोड़ना यार चिंटू, होता है कभी कभी, ऐसा कैसे हो जाता है? अरे कम से कम नैना को तो रोड साइड के ठेले की पानी पूरी नहीं खिलाता, और तुम एंटीबायोटिक्स ले रही हो ना, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? अगर स्टमक इन्फेक्शन हो जाता तो? दक्ष मैं देना देना ना, अब बोल के कोई फायदा नहीं। इसलिए नाराज नहीं है कि हमने रोड साइड ठेले पे पानी पूरी खाई, बल्कि इसलिए नाराज है क्योंकि हम इसे बिना बताए अकेले पानी पूरी खाने चले गए। क्यों, सही कहा ना? चल छोड़ना यार, कल फिर चलेंगे, कल तो गोला भी खाएंगे, ठीक है? ना मुझे पानी पूरी खाने में इंटरेस्ट है और ना ही गोला, समझ गया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नैना, अभी तो मेहमान, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आई तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती। ये मेरा घर है, होटल नहीं, यहां जब चाहे जो चाहे वो कर सको और किसी को फर्क भी ना पड़े। चलो अच्छा हुआ,